सेगांव में शनिवार को विकासखंड के दसनावल से जन कल्याण श्रद्धा पैदल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसके लिए सुबह से ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के लिए यात्रा में 45 कावड़ियों ने हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत गांव के दशेश्वर भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन लाभ लेकर हुई। यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए ओंकारेश्वर के लिए निकली, जहाँ जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आयोजनकर्ता दशेश्वर महादेव मंदिर के सदस्य अमित यादव ने बताया कि प्रतिवर्ष निकलने वाली इस भव्य यात्रा का यह 16वां वर्ष है। यात्रा में 45 युवाओं ने हिस्सा लिया। यात्रा क्षेत्र की खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि, अच्छी बारिश की कामना के लिए कावड़ियों 3 दिन तक पैदल चलकर कांवड़ लेकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सोमवार को अभिषेक पूजन करेंगे। इन 3 दिवसों में यात्रा का पहला पड़ाव मच्छल गांव व दूसरा पड़ाव सनावत व तीसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन होगा। प्रतिवर्ष ग्राम दसनावल से ओंकारेश्वर जन कल्याण कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। समस्त ग्रामवासियों द्वारा एक ही उद्देश्य से भारत देश खुशहाल समृद्ध बने। 16 वर्ष हो गए जन कल्याण कांवड़ यात्रा को और प्रतिवर्ष सभी कांवड़िया कांवड़ लेके जाते हैं और जलाभिषेक ओंकार जी का करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।